कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड्स। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं। इट इज डाइसैकेराइड्स फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट। जो डाइसैकेराइड्स होता है सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में पाया जाता है। द इम्पॉर्टेंट सोर्स आर इन केन शुगर एंड शुगर बेट्स। जो इसका मुख्य सोर्स होता है, स्रोत होता है, वह क्या होता है? केन शुगर, मतलब गन्ना जो होता है, गन्ना वह होता है और शकरकंद होता है। मतलब शकरकंद और गन्ने में यह पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, संरचना कैसी होती है? देखिए, इट इज हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। एसिड की उपस्थिति में क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। देखिए, C12H22O11 हाइड्रोलिसिस किया गया तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलन रिएजेंट। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट की उपस्थिति में इनका रिडक्शन नहीं होता है। इसे फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? CuO होता है और टॉलन रिएजेंट Ag2O होता है। ये इनको रिड्यूस नहीं करता है, ये इम्पोर्टेंट है। इट आल्सो डू नॉट फॉर्म ओसाजोन विथ फेनिल हाइड्राजीन। यह जो है ओसाजोन भी नहीं बनाता फेनिल हाइड्राजीन के साथ। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब इसका रिडक्शन नहीं हो सकता। मीन्स डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इसका मतलब इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, CH2OH, CH, COH, H, CHOH, COH, H, CH और OH, और इस कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है रिंग के द्वारा। अब यहाँ पे क्या हो जाए? ये देखिए, CH2OH, यहाँ OH, C, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, CHOH, CHOH, CH, CH2OH, ये क्या है? बीटा फॉर्म है। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए, यहाँ से ओ एच निकल जाए और यहाँ से एच, तो माइनस एच टू ओ बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा? सुक्रोज। देखिए, सब कुछ सेम है यहाँ पे, यहाँ सी एच है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था रिंग से, ठीक है। अब यहाँ इस कार्बन से क्या होगा? ये ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ से कार्बन और ये CH2OH और ये सब कुछ, एक रिंग इधर जुड़ी है ऑक्सीजन की, यहाँ CH2OH। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है किसका? सुक्रोज का। यहाँ OR मतलब जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो रिएक्शन हुई थी, उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। CH2OH, CH, CHOH, COH, H, CHOH, यहाँ CHOH और ये ऑक्सीजन रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर OH, CH2OH, OH, H, HOH, CH2OH, H, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रिंग में। यहाँ से OH निकल जाए और यहाँ से H निकल जाए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ H था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बाकी ये रिंग हो जाएगी। यहाँ CH2OH लगा, बाकी सब स्ट्रक्चर क्या है? सेम ही है, यहाँ CH2OH। तो क्या कह सकते हैं इसको? सुक्रोज। देखिए, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और ये बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, और इसी को हम क्या कहते हैं?
सुक्रोज कहते हैं। From above it clear that carbonyl group of both monosaccharides are joined to each other at carbon number one of glucose, यहाँ carbon number one of glucose and carbon number two of fructose, carbon number two of fructose क्या करेंगे, अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। This glucose हैब या glucose क्या रखता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मेथाइलेशन ऑफ सुक्रोज इज कैरीड आउट विथ मिथिल डाई सल्फेट देन आक्टा ओ मिथिल सुक्रोज इज ऑब्टेंड। जब सुक्रोज का मेथाइलेशन होता है मिथिल डाई सल्फेट के द्वारा तो आक्टा ओ मिथिल सुक्रोज बनता है। देखिए कैसे, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इसकी रिएक्शन CH3 2SO4 से कराई गई मिथिल डाई सल्फेट से, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आक्टा ओ मिथिल सुक्रोज बनेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, देखिए यहाँ सब कुछ सेम है, इधर सिर्फ होगा क्या, यहाँ ओ और ये वाला यहाँ पे CH2, यहाँ इसके स्थान पर क्या हो जाए OCH3 और यहाँ पे क्या हो जाए OCH3 और लास्ट में यहाँ पे OCH3 होगा और बाकी ऑक्सीजन यहाँ रिंग से जुड़ा हुआ ही है, बाकी यहाँ पे क्या है OCH3। देखिए 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे क्या क्या है, OCH3 यहाँ सिर्फ जुड़ गया है और एक ओ यहाँ पे फिर CH2OCH3 और यहाँ OCH3, यहाँ OCH3, यहाँ OCH3 हो गया है। जहाँ जहाँ OH था वहाँ CH निकल के वहाँ क्या जुड़ गया है, CH3 जुड़ गया है, बस इतना हुआ है। फिर हम इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस आने पे यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर एच प्लस इधर ओएच माइनस आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ओएच माइनस एच प्लस, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे CH2OCH3 CH OCH3 H मतलब COH, यहाँ पे CH2OCH3 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या जुड़ गया है वो एच हो जाएगा दो नंबर पे, बस इतना ही थोड़ा चेंज है। फिर यहाँ पे यहाँ सी है, इधर एच और इधर ओ एच, यहाँ सी यहाँ एच यहाँ ओ सी एच थ्री, बाकी सब कुछ ऐसे लगा हुआ है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसका नाम है 1,3,4,6 टेट्रा ओ मेथिल डी फ्रक्टोज और इसका नाम है 2,3,4,6 टेट्रा ओ मेथिल डी ग्लूकोज। बहुत ही आसान है, बस इतना ही आपको सुक्रोज में पूछा जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कंप्लीट मेथाइलेशन ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इंडिकेट दैट ग्लूकोज हैव पाइरेनोज रिंग ऑक्साइड रिंग वन एट 1-5 एंड फ्रक्टोज हैव फ्यूरेनोज रिंग ऑक्साइड रिंग एट 2-5। इतना ही आपको जो इसमें लिखा हुआ है ऊपर आपको इसमें स्ट्रक्चर में दिखेगा। बस थैंक यू ऑल ऑफ यू।